तो गाइज वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो गाइज अब हम आए हैं कैनॉट प्लेस। यहाँ पे तुम्हारे भाई को था एक छोटा सा काम, वो काम निपटाने आए हैं और फिर थोड़ा आपको कैनॉट प्लेस घुमाऊंगा। जिस भाई ने कभी घूमा नहीं है, देखा नहीं है, उसके लिए बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है, सारी चीज़ दिखाऊँगा। तो फिर चलो चलते हैं, काम निपटा लेते हैं पहले, फिर उसके बाद कैनॉट प्लेस का आपको टूर कराऊँ। तो यह है कि कैनॉट प्लेस क्या है, घूमने का क्या चीज़ है, क्या चीज़ किस लिए फेमस है। तो कैनॉट प्लेस एक अंग्रेज़ के, मतलब उसका नाम तो मेरे को भी नहीं पता, उसने बनाया था कैनॉट प्लेस। और ये राजीव चौक पे है मेट्रो स्टेशन, और इसके किसी भी हम गेट से निकलेंगे तो ये राउंड है, बिल्कुल राउंड सर्कल में, तो उसी साइड से आप राजीव चौक पहुँच जाओगे, जिस गेट से भी एग्जिट करोगे। तो ये कुछ सीन है। और कुछ शॉपिंग मॉल्स बने हुए हैं यहाँ पे, मतलब शॉपिंग शॉप्स, और उसके बाद फिर ऑफिसेज हैं, और उसके बाद रेस्टोरेंट्स हैं काफ़ी अच्छे अच्छे। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे घूमने का, और काफ़ी अच्छा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो अभी काम निपटा लेते हैं हम, फिर उसके बाद आपको घुमा। क्या हुआ, मैं आया था एक काम, ज़रूरी इंपॉर्टेंट काम, तो वो मेरा नहीं हो पाया है, तो इसलिए मेरे को नेक्स्ट वीकेंड पर आना पड़ेगा। तो उसके लिए तो वो काम तो मेरा रह गया, लेकिन अब मैं आपको विज़िट करवा देता हूँ कैनॉट प्लेस एक्चुअली क्या है, कौन कौन सी शॉप्स हैं। तो आ जाओ मेरे साथ और कैनॉट प्लेस आपको विज़िट करवाऊँगा। तो चलो और अब आपको टूर करवाता हूँ पूरे राउंड का, और क्राउड देख लो जैसा कि कितना ज़्यादा क्राउड हो रहा है। तो जो जो चीज़ आएगी वो सारी चीज़ें आपको बताऊँगा दिल्ली का कैनॉट प्लेस, जो कि अभी पार्किंग भी है यहाँ पर साइड में। ये शॉप्स वगैरह यहाँ पे शॉपिंग के लिए, फिर सामने रेस्टोरेंट्स वगैरह है, बुक शेल्फ लगे हुए हैं, और ये सारा पार्किंग एरिया है। और ये है हमारा कैनॉट प्लेस, बुक्स वगैरह परचेज करने के लिए। और ये है फिलिप्स का ICICI। वैन हेजन का भी है यहाँ पे शोरूम। सिल्वर पॉइंट और ये बुक्स शेल्फ, यस रेस्टोरेंट भी है। किसी ने जूते के टमाड़े हो, जैसे आज हमारे साथ सीन हो गया था। और ये जो कर हुआ, हर तरह की शॉप्स है। एंटिक पीसेस, किसी को एंटिक पीस चाहिए वो आ जाए यहाँ पे लेने के लिए। आई सर स्केच शोरूम है, और फिर उसके बाद नाइकी, और मतलब हर तरह के शोरूम आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। मोहनलाल एंड सन,
शोरूम ऑफ बाटा देन जेन रेस्टोरेंट एंड बार फिर शोरूम पाते हमारे इस साइड जैसे मान्यवर हो गया उसके बाद ग्रुप्स हो गया और फिर पार्क एवेन्यू एसिक्स हर तरह के शोरूम्स आपको यहाँ मिल जाएंगे मान्यवर और पार्क एवेन्यू एसिक्स पेबेजिन वैन हिल्टन और ये सारा गोल जो राउंड है ये सारा पार्किंग एरिया है और दी स्क्वायर कैफे रेस्टोरेंट और फिर पोलो बार फिर कन्ना फैब्रिक्स कलर बार सॉरी रेस्टोरेंट खुल जाएंगे फिर बिग बाई और फिर स्नो वाइट के शोरूम टी शर्ट के शोरूम एवरीथिंग यू विल गेट हियर सो दिस इज वर्थ टू विजिट प्लेस इन दिल्ली इट इज़ लोकेटेड एट राजीव चौक very best place to visit World Helio Adidas के शोरूम लाइक वेरी एवरीथिंग यू विल फाइंड हियर बर्गर किंग मिल जाएगा आपको यहाँ फिर बोलो एसोसिएशन और फिर जेनसन यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन
गाइस हमें पब्स क्लब्स भी मिल जाएंगे कैनट प्लेस में, और रेस्टोरेंट तो हर टाइप का मिल जाएगा, और उसके बाद शॉपिंग शॉप्स काफ़ी अच्छी अच्छी ब्रांड्स की कैनट प्लेस में अवेलेबल है। और ये राजीव चौक पे पड़ता है, और पार्किंग एरिया बिल्कुल साथ ही है इसका, अगर कोई अपने व्हीकल से आना चाहता है कार से तो आ सकता है। काफ़ी अच्छा प्लेस है विजिट करने का दिल्ली में। आपने काफ़ी क्राउडेड एरिया है, और वीकेंड्स पे तो काफ़ी अच्छा क्राउड हो जाता है यहाँ का, क्लब्स वगैरह है, शॉप्स है, शॉपिंग मतलब ब्रांड शॉप्स है, काफ़ी अच्छा है मतलब ओवरऑल। और विजिट प्लेस है राजीव चौक पे ही है, और ब्लू मेट्रो स्टेशन और येलो लाइन के बीचों बीच पड़ते हैं, और किसी भी हम गेट से एग्जिट करते हैं तो वो हमारा कैनॉट प्लेस पर निकालता है। तो अभी दिन है, थोड़ी देर में रात हो जाएगी और यहाँ का क्राउड बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो ये कुछ हमारा सीन था कैनॉट प्लेस का। होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और लाइक कमेंट करके बताना मेरे को कि कैसी लगी वीडियो। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।